नमस्कार, मैं हूं आतुर, आप देख रहे हैं सबसे न्यूज़ इंडिया। बीते दिन हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना से जहां पूरा देश सदमे में है, हर तरफ शोक की लहर छाई हुई है। तमिलनाडु के कुन्नूर के समीप हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई है। इसके साथ ही उनकी पत्नी और अन्य 11 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। इस हादसे से पूरा देश में शोक की लहर छाई हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची है, जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि विपिन रावत के 43 साल के करियर में उन्होंने हर बार मौत को मात दी थी, लेकिन इस बार शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इस घटना को लेकर कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, तो आइए सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह का वो मंजर था जब हेलीकॉप्टर जो है वो कोहरे का शिकार हो गया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MG दातार ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक पुराना किस्सा बताया। जब 2015 में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना के बाद जनरल रावत से मिलने गया, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि सर, मैं पहाड़ी आदमी हूँ, इतनी छोटी सी घटना में मरने वाला नहीं हूँ। मैं गोरखा राइफल से हूँ, जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता हूँ। मैं उत्तराखंड की पहाड़ियों का हूँ, वहाँ के लोग भी अपने निडरता के लिए ही जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रहे कैप्टन वरुण की देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के साथ उसी हेलीकॉप्टर में सवार 14 यात्रियों में शामिल थे, जो हादसे का शिकार हो गया। शौर्य चक्र से सम्मानित कैप्टन वरुण को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों को इस हादसे में मृत घोषित कर दिया गया है। सिंह ने बताया है कि गंभीर रूप से घायल कैप्टन वरुण का उपचार सेना के अस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवरिया ही नहीं, पूरा देश अपने बहादुर सिपाहियों के लिए मौत को भी मात देने की कामनाएं कर रहा है। साल 2020 में एक हवाई इमरजेंसी के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था, और इस साल के स्वतंत्रता दिवस पर इस कैप्टन को इस सम्मान से नवाजा जाएगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में जहां हेलीकॉप्टर हादसे से पूरा देश में सदमा छाया हुआ है, शोक की लहर छाई हुई है, वहीं जहां विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोग इस हादसे का शिकार हुए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि दो खास व्यक्ति जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, फिलहाल ये भी बताया गया कि जहां एक व्यक्ति की जान भी बच गई, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि खासकर विपिन रावत के जो सुरक्षा गार्ड थे, जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, जितेंद्र कुमार, जिनकी मृत्यु की खबर से उनके घर पर, पूरे परिवार में, उनके इलाके में शोक की लहर छाई हुई है, मातम छाया हुआ है, परिवार वालों का बुरा हाल है। उनका एक 4 साल का बेटा भी है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उनके घर पर पहुंचाया जाएगा, और वहीं से उनका अंतिम संस्कार भी होगा। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के तरनतारन जिले से संबंध रखने वाला नायक गुरसेवक, जिसकी 2 बेटियाँ और 1 बेटा, लेकिन उनकी मौत की खबर से उनके परिवार पर का जो इकलौता कमाने वाला इंसान था वो गुजर चुका है। परिवार में पूरा मातम देखने को मिल रहा है, लेकिन दुखदाई बात ये रही कि अभी तक उनके घर पर कोई भी राजनीतिक आगू या फिर प्रशासनिक कोई भी अधिकारी उनका हालचाल, उनका दुख साझा करने के लिए नहीं पहुंचा।